अभी फिलहाल मैं यहाँ पे कलर ओएस का एक लेटेस्ट पोर्ट वर्जन यूज कर रहा हूँ मेरे अपने मी 11X डिवाइस के लिए, जिसे पोको F3 के नाम से भी जाना जाता है। और इसे यूज करते हुए हो चुके हैं 1 डे। और ये जो हमारा कलर ओएस है वो है 15.0.1, जहाँ पे आप मेंटेनर का नेम देख सकते हो और इसमें क्या कुछ कैसे देखने को मिलता है, कुछ कुछ चीज़ें फिक्स है या नहीं, ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। इसलिए लास्ट तक जरूर वॉच करना ताकि आपको पता चल जाए कि इसे इंस्टॉल कैसे करना है और अभी के टाइम पे ये कैसे काम कर रहा है, क्योंकि इसके अपडेट आए हुए कई दिन हो चुके हैं बट आप लोगों के ओपिनियन थे तो सोचा कि चलो लेके आते हैं। पर मैं एक लंबे समय के बाद मी 11X को वापस लेके आया हूँ अपने चैनल के ऊपर, तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है यार, प्लीज़ शेयर और लाइक जरूर करना ताकि मुझे लगे कि हाँ अभी भी आप लोग भाई अलाइव हो, छोड़ के नहीं गए हो। यहाँ पे आपको जो AOD प्रॉपर वर्किंग देखने को मिल जाता है, यहाँ पे लॉक स्क्रीन वगैरह के एनिमेशन आप देखते हो काफ़ी स्मूथ रहते हैं जिसमें कोई दिक्कत नहीं आती। अनलॉकिंग एनिमेशन भी आपको काफ़ी प्रॉपर देखने को मिल जाता है, फिंगरप्रिंट हमारा अच्छे से काम करता है, कोई दिक्कत नहीं आती। वन प्लस के मोस्टली फीचर्स यहाँ पे वर्किंग रहते हैं जो कि आप यहाँ पे आसानी से यूज कर सकते हो, जिसमें कोई भी प्रॉब्लम मुझे देखने को नहीं मिला है। बाकी हम आते हैं इसके अबाउट पे, तो आप देख सकते हो मी 11X देखने को मिलता है, आप अगर ग्लोबल का डिवाइस तो पोको F3 लिखा हुआ मिल जाएगा। ये कलर इसका लेटेस्ट वर्जन 15.0.1 है, जहाँ पे आपको डिवाइस और बाकी अदर स्पेक्स वगैरह देखने को मिलेगा। अगर वर्जन की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 15.0.0.8.20, इसका पहले का जो अपडेट था 8.01 था आई थिंक। और यहाँ पे हम देख सकते हो कर्नल प्लस है, एंड्रॉयड 15 मे 5 का आपको सिक्योरिटी पैच देखने को यहाँ पे मिल जाता है। बैक की ओर आते हैं तो यहाँ पे जो स्मूथनेस है वो काफ़ी सही है, बट फर्स्ट डे इतना ज़्यादा स्मूदी आपको फील नहीं होता, तो रिक्वेस्ट इतना ही है कि जब भी आप इसे डालो कम से कम 1 डे अपने फ़ोन को यूज़ करो, उसके बाद देखो यहाँ पे इंप्रूवमेंट आपको बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा परफॉर्मेंस और स्मूथनेस के मामले में। मैं आपको रिजल्ट के अंदर भी ये चीज़ दिखाऊंगा। बाकी अपडेटर के अंदर आते हैं तो यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें ऐड की गई है, जैसे कि डबल टैप टू वैक, यहाँ पे प्ले स्टोर का ऑप्शन ऐड कर दिया गया है, असो बूट लोडर स्टेटस वगैरह है, ऑटो अपडेट का ऑप्शन है, गेम प्रॉप्स है और यहाँ पे लिमिटेड फोटो स्टोरेज और नेटफ्लिक्स वगैरह। लेकिन यहाँ पे 21 को भाई गूगल ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी, जिसकी वजह से जितने भी रोम अवेलेबल है टिल नाउ तक सबके डिवाइस नोटिफिकेशन फेल हो चुके हैं, सब में जो पहले पास था वो फेल हो चुका है। बट यहाँ पे हमारे मेंटेनर की तरफ से एक फाइल प्रोवाइड किया गया है जिसे फ्लैश करने के बाद आपका डिवाइस नोटिफिकेशन वाला प्रॉब्लम है जो सॉल्व हो जाएगा। बट ये चीज़ मैंने यहाँ पे ट्राई की लेकिन मेरे साथ ये प्रॉब्लम सॉल्व होता हुआ नजर नहीं आया, जबकि बहुत सारे यूजर्स का है जो ये ठीक हो गया है। तो मैं ये फाइल आपको दे दूंगा, आप ट्राई कर लेना, जो कि ये रहा। इसे डालने के बाद मे बी आपका काम कर जाए ग्लोबल डिवाइस हो तो, बट मैं यहाँ पे इंडिया डिवाइस में डाला हूँ और ये काम नहीं कर रहा है। लेकिन हाँ, कुछ लोग कहेंगे भाई ये काम नहीं कर रहा है तो क्या बाकी अदर एप्लीकेशन काम करेंगे, तो हाँ बाकी अदर एप्लीकेशन आपके अच्छे से काम करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि अगर मैं इसे चेक करता हूँ तो ये सब कुछ आपको फेल देखने को मिल जाता है, बट यहाँ पे मोस्टली व्हाट्सएप वगैरह सारी चीज़ें काम कर रही है। बस बैंकिंग ऐप में भी दिक्कत आएगा तो आपको मैनुअली रूट करके इसे फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि फिक्स का मेथड ऑलरेडी अवेलेबल हो चुका है। और यहाँ पे जो डिवाइस का जो बूट लोडर स्कूप का फीचर्स भी ऐड किया गया ना, तो मे बी जो जिप मैंने फ्लैश किया सर्टिफिकेशन के लिए शायद उसकी वजह से यहाँ पे ये भी अब फेल हो चुका है, क्योंकि सेटिंग के अंदर ये चीज़ देखने को मिलती है। और इनका मैंने ये सेम रोम पोको F4 के लिए चेक किया था और वीडियो दिया था, वहाँ पे सारे ऑप्शन काम कर रहे थे, तो मे बी जिप फ्लैश करने के बाद ये वाला जो ऑप्शन है शायद डिसेबल हो चुका है, काम नहीं कर रहा है। तो इससे रिलेटेड कंफर्मेशन मैं आपको नहीं दे पाऊंगा क्योंकि थोड़ी सी लफड़े वाली बात हो चुकी है, जबकि फोटो स्टोरेज आपका काम कर रहा है और यहाँ पे नेटफ्लिक्स वगैरह भी है। और गेम प्रॉप्स वगैरह की अगर बात करें तो यहाँ पे जो गेमिंग सेटिंग है वो आपको 120 अनलॉक नहीं देता है, ओनली ऑन एक्सट्रीम प्लस ही देता है, यानी 90 FPS आप कह सकते हो कि आपको देखने को मिल जाता है, ये चीज़ आप ध्यान में जरूर रखना। वहीं पे हम बैक ही आते हैं तो आपको मिल जाता है AI के थोड़े बहुत फीचर्स जो कि काम करते हैं और कुछ चाइने वाले फीचर्स हैं। बाकी यहाँ पे आपको स्प्लिट व्यू, स्मार्ट साइड बार, फ्लोटिंग विंडो, वन हैंडेड एंड ड्रॉप और पावर मेनू वगैरह के ऑप्शन से ये देखने को मिल जाते हैं। ऐप्स की बात करें तो यहाँ पे क्लोन ऐप्स वगैरह आपके वर्किंग रहते हैं। बैटरी जितना मैंने यूज़ किया मुझे ओवरऑल ठीक लगा है, बट 1 डे के बाद इसमें और इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिल जाएगा, तो इससे रिलेटेड दिक्कत नहीं आती। यहाँ पे आपका फेस अनलॉक काम नहीं करता क्योंकि हमेशा से ये डेड रहा है ऑक्सीजन वॉइस वगैरह के अंदर, और कुछ प्राइवेसी वाले फीचर्स जैसे कि ऐप साइड वगैरह हमारे काम नहीं करते। नोटिफिकेशन पैनल के अंदर कुछ चेंज नहीं है, सब कुछ पहले वाली चीज़ें ही आपको देखने को मिल जाती है जिसमें आपने पहले भी यूज कर रखा है, तो यहाँ पे नथिंग चेंज, क्योंकि एक पोर्ट है, कोई कस्टम रोम नहीं है कि हर बार कुछ नए फीचर्स आपको देखने को मिले। जब तक ये ऑफिशियली कुछ नया चेंज नहीं होता, जब तक यहाँ पे आपको नया चेंज देखने को नहीं मिलता। बाकी यहाँ पे बाकी अदर चीज़ें आपके जो प्रॉपर काम करती है, इसमें दिक्कत नहीं आता, चाहे वो वाईफाई हो, ब्लूटूथ हो या फिर बाकी अदर ऑप्शंस वगैरह हो, काम
कर रहा है। लेकिन यहाँ पे हम बात करें इसके परफॉर्मेंस टेस्ट रिजल्ट और बाकी चीज़ों की, क्या कैसे देखने को मिलता है, तो डिफॉल्ट डायलर आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे कलर ओएस वाला ही, जिसकी वजह से आप यहाँ पे वीडियो कॉल कर पाओगे। मैंने चेक कर रखा है और जियो 5G भी हमारा वर्किंग है, तो इससे रिलेटेड दिक्कत नहीं आता। तो आप आसानी से यहाँ पे जियो 5G वगैरह यूज कर सकते हो, वीडियो कॉल वगैरह कर सकते हो, नो इशूज। कैमरे की बात करें तो डिफॉल्ट जीकैम दिया गया है जो कि आप देख पाओगे, और जीकैम मुझे थोड़ा सा स्लो लगा है, जब भी फोटो क्लिक करते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेता है, तो आप अपने हिसाब से डिफरेंट जीकैम वगैरह भी आप ट्राई कर सकते हो, मर्जी आपकी है, डिपेंड आपके ऊपर करता है। बाकी वही फोल्डर को श्रिंक वगैरह और लार्ज करने का फीचर्स आपको मिल जाता है। वॉलपेपर की बात करें तो यहाँ पे जो वॉलपेपर कलेक्शन देखने को मिल जाता है वो ओवरऑल काफ़ी सही है। यहाँ पे आप देखो 21 लाइव दिए गए हैं, बाकी यहाँ पे कलर इसके वॉलपेपर वगैरह हैं, बाकी यहाँ पे अलग आपको देखने को मिल जाता है, तो कलेक्शन ओवरऑल काफ़ी सही मिलता है। तो आप अपने हिसाब से जो भी वॉलपेपर चाहिए वो यूज कर सकते हो, या फिर अलग से भी आप जो यहाँ पे डाल सकते हो। विजेट्स की बात करें तो यहाँ पे वही सारे विजेट्स मिलते हैं जिसमें कुछ खास नया चेंज नहीं हुआ है, और चाइना वाला कलर वॉइस का पोर्ट है जिसके से आपको चाइना वाले लैंग्वेज वगैरह भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, तो यही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आती है। अब रही बात यहाँ पे टेस्ट रिजल्ट क्या कुछ कैसे निकल के आता है, तो उसके ऊपर एक नज़र डालते हैं। कंप्लीट सेटअप हो जाने के बाद यहाँ पे सिस्टम डिफॉल्ट इतने ही एप्लीकेशन आपको मिलेंगे, बाकी आप अपना डाल सकते हो। अनदर यहाँ पे चार्जिंग टेस्ट मैंने किया, 6 मिनट में 8% गया, यहाँ पे 46 मिनट में 52% गया, और 1 डे के बाद जब आज मैं टेस्टिंग करता हूँ तो आप देखो 21 मिनट में 46% जाता है, तो चार्जिंग स्पीड मुझे ओवरऑल काफ़ी अच्छा देखने को मिला है, जहाँ पे मैं कहूँगा कोई दिक्कत की बात नहीं है। वहीं पे कैमरे वगैरह हमारे काम करते हैं, कोई इशू नहीं आया। फोटो स्टोरेज आपको अनलॉक मिलता ही है, L1 का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है जो कि ये रहा, और यहाँ पे हम बात करें HDR10+ वगैरह की तो ये भी सपोर्ट आपको मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे ये है फर्स्ट डे का AnTuTu स्कोर जो कि काफ़ी ज़्यादा डाउन था, लेकिन हाँ 1 डे के बाद इसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, बट सॉरी फॉर डेट मैं आज के डेट में चेक करना ही भूल गया। और ये फर्स्ट डे का हमारा Geekbench, लेकिन जब सेकेंड डे होता है 1 डे कंप्लीट होता है, रोम थोड़ा सेटल होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ह्यूज इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है Geekbench के अंदर, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। साथ साथ CPU टोटल यहाँ पे उतना ज़्यादा बेहतरीन नहीं है, बट ओवरऑल मैं कहूँगा कि ठीक है, लेकिन आप कूलिंग वगैरह की व्यवस्था रखते हो तो आपको रिजल्ट ओवरऑल काफ़ी अच्छा मिलता है। और रही बात AnTuTu, तो ये तो भाई फर्स्ट डे का ही है जब मैंने रोम को इंस्टॉल किया था, तो वीडियो एडिटिंग के टाइम पे मैं आज का 1 डे के बाद का टेस्टिंग करके ऐड कर दूंगा, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि कितना ज़्यादा इसमें इंप्रूवमेंट आता है आफ्टर 1 डे। वहीं पे हम बात करें बाकी चीज़ों की, तो ओवरऑल यहाँ पे बाकी चीज़ें मुझे सही देखने को मिली, इसमें मुझे कोई खास शिकायत नहीं है। और रही बात डालना कैसे है, तो आपको सबसे पहले अपने रिकवरी में जाके FW को फ्लैश करना है जो कि 102 होगा ग्लोबल वर्जन का, उसके बाद आपको इस रोम को फ्लैश करके फॉर्मेट एंड रिबूट करना है। बिल्कुल ही सिंपल सा इंस्टॉलेशन है, कोई भी खास एक्स्ट्रा मेथड फॉलो करने की जरूरत नहीं है। सारे डाउनलोड फाइलें और जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब कुछ मैं आपको डाउनलोड लिंक के साथ प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ से आप इसे यूज कर पाओगे, डाल पाओगे अपने डिवाइस के अंदर। अब ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप इसे डालना चाहते हो या नहीं। और हाँ, यहाँ पर जो डिवाइस सर्टिफिकेशन हम आपका फेल देखने को मिलता है, इसे आप रूट करके मैनुअली पास कर सकते हो, क्योंकि अलग अलग फाइलें आ चुकी है पास करने वाली, बस आपको अब खुद से करना पड़ेगा, जो कि पहले डिफॉल्ट आ रहा था, तो भाई गूगल कांड करते रहता है और बाद में कस्टमरों यूजर्स को भुगतना पड़ जाता है। तो ये टोटली आपके ऊपर अब डिपेंड करेगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।